हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज के एडिटोरियल देख लेते हैं। तो फर्स्ट आर्टिकल है अ मैसिव विक्ट्री। तो यहाँ पे नेपाल इलेक्शन रिसेंटली कंक्लूड हुए हैं, ठीक है। तो उसमें लेफ्ट अलायंस जो है जीत गई है। तो इसमें हमें सिर्फ इतना ही जानने की जरूरत है, यहाँ पे हमें हमारे काम का ज्यादा कुछ नहीं है। बेसिकली यहाँ पे नेपाल की इंटरनल पॉलिटिक्स दी गई है, तो ये हमारे काम की नहीं है। यहाँ पे जो है अमेरिकन पॉलिटिक इंटरनल पॉलिटिक्स दी है, तो हम इसको भी स्किप कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला आर्टिकल है इन एन एलीट क्लब। तो ये अभी आपने सुना होगा, वासेनार अरेंजमेंट से रिलेटेड है ये आर्टिकल, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि इंडिया जो है अभी इसमें 42nd पार्टिसिपेटिंग मेंबर बन गया है, ठीक है। तो अब इससे जो है इंडिया को क्या बेनिफिट होने वाले हैं, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड मोरोवर ये वासेनार अरेंजमेंट है क्या, ये भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके जो मेन गोल्स हैं, एम्स हैं, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये आर्टिकल है पीस कीपिंग। जैसे आप देख रहे हैं, तो यूएन का जो पीस कीपिंग मिशन होता है, वहाँ उसमें जो है किस तरह से इंडिया वर्सेस चाइना के बीच में जो है कैसे पावर गेम चल रहा है, और चाइना अपनी पोजीशन को जो है किस तरह से इस्तेमाल करता है अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं फॉर क्लीन एयर इंडिया नीड्स अ पॉलिसी लीप, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एयर क्लीन एयर की बात की है, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे एयर पॉल्यूशन की बात हुई है। अब यहाँ पे सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरे कंट्री में जो है हमें कैसे एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की जरूरत है एयर पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए, बिना फिस्कल डेफिसिट को इंक्रीज किए, ठीक है। जो हमारा टारगेट है, हम उससे ज्यादा फिस्कल डेफिसिट, और आपने देखा ही है कि 96.1% ऑलरेडी हो चुका है। तो बिना फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाए जो है हम यहाँ पे कैसे ऐसी क्या पॉलिसी बनाएं कि हम एनवायरनमेंट भी सेफ रख सकें, यानी कि एयर पॉल्यूशन हम यहाँ पे टैकल कर सकें, और यहाँ पे जो है हेल्थ हेल्थ इफेक्ट जो होते हैं एयर पॉल्यूशन के, वो भी हम कंट्रोल कर सकें, ठीक है। तो ये आर्टिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब मैं इसको डिस्कस करूंगी तो आप जो है इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है पावरिंग रूरल हेल्थ केयर। तो रूरल एरियाज में जो प्राइमरी हेल्थ केयर्स होते हैं, ठीक है, कई बार उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस नहीं हो पाती। मतलब कई प्राइमरी हेल्थ केयर्स ऐसे होते हैं जिनको इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस जो है प्रोवाइड नहीं हो पाती, ठीक है। तो उससे क्या होता है, यहाँ पे उनकी फंक्शनिंग एक तो यहाँ पे हैम्पर होती है, ठीक है। पूरी तरह जो उनकी एक फुल कैपेसिटी है काम करने की, ठीक है, तो वो अपनी फुल कैपेसिटी से काम नहीं कर पाते, यहाँ पे उनकी फंक्शनिंग हैम्पर होती है। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि जैसे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, ठीक है, या अंडर 5 मोर्टैलिटी रेट, तो ये सब पैरामीटर्स क्या है, इंक्रीज करने लगते हैं, ठीक है। उस एरिया में, उस रूरल एरिया में ये सब पैरामीटर्स जो है इंक्रीज करने लगते हैं, और जबकि गवर्नमेंट हमेशा इनको डिक्रीज करना चाहती है, ठीक है। तो इस पे अफेक्ट करता है ये इलेक्ट्रिसिटी गैप जो है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस ना हो पाना, इन सब चीजों पे अफेक्ट करता है। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया है छत्तीसगढ़ का, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा गया कि सोलर एनर्जी को यूज करके जो है इलेक्ट्रिसिटी जिन प्राइमरी हेल्थ केयर में प्रोवाइड की गई है, तो वहां पे क्या क्या बेनिफिट हुए हैं, ये इसमें इस आर्टिकल में यहाँ पे डिस्कस किया है। तो काफी अच्छा आर्टिकल है, इसको भी हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये वाला आर्टिकल है। तो जैसे आपने देखा होगा कि जाट पाटीदार एंड यहाँ पे मराठास जो है रिजर्वेशन के लिए प्रोटेस्ट वगैरह चल रही थी, तो अब यहाँ पे जो है एक स्टडी की गई है, और उसमें ये चीज देखी गई है कि इनकी ये जो डिमांड है रिजर्वेशन की, ये जस्टिफाइड है या जस्टिफाइड नहीं है, नॉट जस्टिफाइड, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे डिस्कस की गई है। इसको हम स्किप कर रहे हैं। डिसम्बर 4 का एक आर्टिकल है, तो उसमें जो है एक तरह से उसमें कमी निकाली गई है कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो डेटा पॉइंट है, ये जुवेनाइल ऑफेंसेस पर बेस्ड है। एनसीआरबी की जो 2016 रिपोर्ट अभी रिसेंटली आई है, तो उसमें जो है जुवेनाइल ऑफेंसेस कितने परसेंट, और मतलब गर्ल्स बॉयज में कितना डिफरेंस है, ये सब चीजें यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है इन एन एलीट क्लब। तो जैसे वासेनार अरेंजमेंट, इंडिया इसका 42nd मेंबर बन गया है, ये चीज यहाँ पे दी हुई है।
और क्या चीजें दी गई हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं कि वासेनार अरेंजमेंट है क्या। ठीक है, तो द वासेनार अरेंजमेंट इज एन एलीट क्लब ऑफ कंट्रीज विच सब्सक्राइब टू आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल। ठीक है, तो आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल का यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि जो आर्म्स हथियारों का जो एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, तो उस पर एक तरह से कंट्रोल लगाना। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं और आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं कुछ चीजें डिस्कस करना चाहती हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है कि सिमिलर टू एनएसजी एंड एमटीसीआर। ठीक है, तो वासेनार अरेंजमेंट जैसे और ग्रुप्स हैं, जैसे कि एनएसजी हो गया और यहाँ पे एमटीसीआर हो गया, यहाँ पे एक और ग्रुप है ऑस्ट्रेलियन ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक अपना ये वासेनार अरेंजमेंट तो हो ही गया। अब यहाँ पे ये दो कॉलम्स हैं, ठीक है, ये मान लीजिए ये है इंडिया का और ये मान लीजिए ये है चाइना का। ठीक है, तो एनएसजी में इंडिया मेंबर नहीं है, चाइना यहाँ पे मेंबर है। ठीक है, एमटीसीआर में इंडिया मेंबर है, ठीक है, जबकि चाइना यहाँ पे मेंबर नहीं है। ऑस्ट्रेलियन ग्रुप में दोनों ही मेंबर नहीं है और वासेनार अरेंजमेंट में रिसेंटली इंडिया जो है मेंबर बन गया है, जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, और चाइना जो है इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चाइना जो है बाकी के तीन में मेंबरशिप चाइना की नहीं है, जबकि इंडिया की जो है अब वासेनार अरेंजमेंट और एमटीसीआर में मेंबरशिप हो गई है। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे देखने वाली बात, ये हो गया इंडिया एंड चाइना का। ठीक है, तो इंडिया जो है ऑस्ट्रेलियन ग्रुप के लिए की मेंबरशिप के लिए भी यहाँ पे मतलब कोशिश कर रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ग्रुप में भी जो है उसको मेंबरशिप मिल जाए। यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ग्रुप का फोकस जो होता है वो होता है बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ग्रुप का यहाँ फोकस है बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स। तो ये जो है थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। अब आगे चलते हैं, तो बॉडी इन द बॉडी केम इन टू बींग इन 1996 टू सक्सीड द कोल्ड वॉर एरा कोऑर्डिनेटिंग कमिटी फॉर मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल्स। द नेम कम फ्रॉम वासेनार। ठीक है, ये एक जगह का नाम है, सब अर्ब एरिया है, सब अर्ब एरिया है यहाँ पे। तो उसके बाद हु आर ऑल मेंबर्स ऑफ वासेनार अरेंजमेंट। तो यहाँ पे देखो आप यूएनएससी के जितने भी परमानेंट मेंबर हैं, ठीक है, एक्सेप्ट चाइना, चाइना को छोड़ के बाकी सारे जितने भी परमानेंट मेंबर्स हैं वो सारे इसके मेंबर्स भी हैं। ठीक है, वासेनार अरेंजमेंट के तो टोटल 42 मेंबर्स हैं, इंडिया जो है लास्ट एंट्री है। तो विद द एक्सेप्शन ऑफ चाइना ऑल अदर परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी आर सिग्नेटरी टू वासेनार अरेंजमेंट विच इज हेडक्वार्टर्ड इन वीना ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रिया में है जगह। ठीक है, आगे चलते हैं, हाउ डज द अरेंजमेंट वर्क। तो अब इसमें यहाँ पे गोल दिए गए हैं, तो गोल में क्या है, टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ट्रांसफर ऑफ कन्वेंशनल आर्म्स एंड ड्यूअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो इसमें जो है एक ट्रांसपेरेंसी और ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट करना। दूसरा यहाँ पे है टू एंश्योर that transfers of these items do not contribute to the development of or enhancement of military capabilities. ठीक है, कि जो transfer हो रहा है इन items का, उससे जो है military capabilities develop ना हो, enhance ना हो। ठीक है, which undermine the goal. तो third यहाँ पे जो aim है वो है to prevent the acquisition of these items by terrorist. तो ये तो सब कोई अंदाजा लगा सकता है कि अगर टेररिस्ट के पास ऐसे गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज या कन्वेंशनल आर्म्स अगर चले जाएंगे तो फिर कितना नुकसान होगा पूरे वर्ल्ड को। ठीक है, तो ये जो है इसके मेन गोल है, एम है। ठीक है, टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ट्रांसफर्स ऑफ कन्वेंशनल आर्म्स एंड ड्यूअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज टू एंश्योर दैट ट्रांसफर ऑफ दीज आइटम्स डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट और एनहांसमेंट ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटीज एंड टू प्रिवेंट द एक्विजिशन ऑफ दीज आइटम्स बाय टेररिस्ट। उसके बाद है व्हाट आर वासेनार कंट्रोल लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे है द अरेंजमेंट वर्क अकॉर्डिंग टू वासेनार कंट्रोल लिस्ट। द कंट्रोल्स आर सब्जेक्ट टू रेटिफिकेशन बाय पार्टिसिपेंट्स।
ठीक है, डब्ल्यू ए मेंबर्स एग्री टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑन सेंसिटिव डुअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज एंड रिपोर्ट ऑन सच ट्रांसफर्स, ऐसे ट्रांसफर्स की रिपोर्ट देना, ठीक है, एंड डिनाइल टू डिनाइल ऑफ कंट्रोल्ड आइटम्स टू नॉन पार्टिसिपेंट. तो जितने भी कंट्रोल्ड आइटम्स हैं तो उनको जो है नॉन पार्टिसिपेंट्स को नहीं देना है. ठीक है, यहाँ पे अगर कोई ट्रांसफर हो रहा है तो उस पर रिपोर्ट करनी है. ठीक है, दूसरा जो है एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना है. ठीक है, उसके बाद एंड द कंट्रोल्स आर सब्जेक्ट टू रेटिफिकेशन बाय द पार्टिसिपेंट. जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो रेटिफाई करेंगे. ठीक है, आगे चलते हैं. What does this mean to India? So since it is a non-signatory of nuclear NPT, okay, India would look up to WA membership to boost its credential to enter NSG. Okay, crucially, China, which stands in the way of India's NSG entry, is not a member of Wassenaar arrangement. So, जैसे मैंने यहाँ पे आपको table दिखाई थी, ये वाली table, तो अब आपको पता ही है कौन कहाँ मेंबर है कहाँ नहीं है. तो अब इससे क्या होगा, देखो अभी हम दो में ऑलरेडी मेंबरशिप हो गया. अब अगर हमें ऑस्ट्रेलियन ग्रुप में और मिल जाती है हमें मेंबरशिप, तो हमारा केस एक स्ट्रांग हो जाएगा. ठीक है, कि जब बाकी के तीन जो हैं सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को, तो एनएसजी को भी लगेगा कि हाँ इनको, मतलब जब बाकी के तीन कर रहे हैं तो मतलब कुछ तो बात होगी ना, कुछ तो वेट होगा एक इंडिया मतलब इंडिया के आर्ग्यूमेंट्स में कुछ तो वेट होगा ना, कि देखो बाकी के तीन हैं वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो भले ही चाइना फिर हमें अपोज करे, लेकिन हमें अपना केस जो है इतना स्ट्रांग बनाना है कि हमें बाकी जो मेंबर्स हैं एनएसजी के, तो वो जो है हमारे फेवर में हो जाएं. ठीक है, तो यहाँ पे चाइना वैसे एक तरह से ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है हमारे लिए, बट हमें बाकी जगह पे अगर हमें कोशिश करनी है कि ऑस्ट्रेलियन ग्रुप में हमें यहाँ पे मेंबरशिप मिल जाए. ठीक है, तो हमारा केस और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा. एंड मोर ओवर वासेनार अरेंजमेंट से जो है इंडिया, जो भी इनके स्टैंडर्ड्स हैं और उनसे जो भी जैसे यहाँ पे हमने बोला था कंट्रोल लिस्ट है जो, ठीक है, इंडिया इससे कंप्लाई करेगा तो और ज्यादा एक भरोसा होगा पूरे वर्ल्ड को कि नहीं, इंडिया जो है जो भी न्यूक्लियर मटेरियल होता है उसका जो है एक तरह से पीसफुल यूज इंडिया करने को तैयार है. ठीक है, तो बिना एनपीटी साइन किए हुए चांसेस हैं कि हमें एनएसजी में मेंबरशिप मिल जाए. तो एक तरह से हमारे स्टैंड को ये बूस्ट करेगा. ठीक, सिंस इट इज अ नॉन सिग्नेटरी ऑफ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी, इंडिया वुड लुक अप टू डब्ल्यूए मेंबरशिप टू बूस्ट इट्स क्रेडेंशियल टू एंटर एनएसजी. ठीक, आर देयर एनी कैचेस? तो यहाँ पे देखो एक क्रिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है, एक यहाँ पे कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड पॉलिसी एनालिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है. ठीक है, तो क्रिटिक्स क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि एक डिजिटल डिवाइड क्रिएट करता है वासेनार अरेंजमेंट जो है, एक डिजिटल डिवाइड क्रिएट करता है बाय रेस्ट्रिक्टिंग वेस्टर्न कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स फ्रॉम सप्लाइंग क्रूशियल टेक्नोलॉजीज टू एमर्जिंग मार्केट. अब यहाँ पे एक चीज और थी, जैसे यहाँ पे इंडिया के पास, इंडिया को एक और चीज का बेनिफिट है कि अब जो है हमें एक्सेस मिलेगा हाई टेक्नोलॉजी का. ठीक है, तो जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट को देख के मेरे को ये चीज याद आई कि यहाँ पे जो है इंडिया को अब एक्सेस मिल सकता है हाई टेक्नोलॉजी का, जिससे हम अपनी जो भी हमारी स्पेस एंड डिफेंस नीड्स हैं, ठीक है, या डिफेंस सेक्टर्स में हाई टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, स्पेस एंड डिफेंस सेक्टर्स में हाई टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, तो वो जो है हम मीट कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक्सेस मिलेगा हाई, जो वासेनार अरेंजमेंट के जितने भी मेंबर्स हैं तो उनको जो है उनके पास हाई टेक्नोलॉजी होती है, और जो नॉन पार्टिसिपेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे लिखा भी था नॉन पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, तो उनको मतलब एक डिजिटल डिवाइड क्रिएट होता है, ये क्रिटिक्स का कहना है, बाय रेस्ट्रिक्टिंग वेस्टर्न कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स फ्रॉम सप्लाइंग क्रूशियल टेक्नोलॉजीज टू एमर्जिंग मार्केट्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. उसके बाद कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड पॉलिसी एनालिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो दे हैव ऑल्सो एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट डेवलप्ड इकोनॉमीज यूजिंग लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज,
सॉरी लेस डेवलप्ड कंट्रीज फॉर देयर साइबर सिक्योरिटी रिसर्चेस बाय सप्लाइंग देम विद इंट्रूसिव टेक्नोलॉजीज दैट कैन बी यूज्ड फॉर मास सर्विलेंस. ठीक है, तो ये है कि डेवलप्ड इकोनॉमीज जो है, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, उसको थोड़ी सी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं और उससे जो है अपनी जो भी इनकी साइबर सिक्योरिटी रिसर्चेज हैं तो उन पर जो है कंडक्ट करते हैं. ठीक है, मास सर्विलेंस का एक इन पे खतरा रहता है. ठीक है, तो ये जो है कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड पॉलिसी एनालिस्ट ने ये बात बोली है. उसके बाद ये है द पावर प्ले इन पीस कीपिंग. तो अब इसमें क्या चीज दी हुई है, देखो यहाँ पे ये है, जैसे यहाँ पे लिखा है बीजिंग टेकिंग सेंटर स्टेज इन वर्ल्ड अफेयर द इम्पोर्ट ऑफ चाइनाज डिप्लोमेट. ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज बोली गई है कि कैसे चाइना जो है अपनी एक ग्रिप जो है टाइट करा है यूनाइटेड नेशन में. ठीक है, तो चाइना क्या है, देखो यहाँ पे सिंपल एंड साफ साफ वर्ड्स में यहाँ पे बता देती हूँ, चाइना जो है फंड्स देता है. ठीक है, यूनाइटेड नेशन को भी और जो पीस कीपिंग मिशन चल रहा है यहाँ पे उसमें भी. ठीक है, पीस कीपिंग मिशन. तो अब यहाँ पे चाइना जो है फंड्स में, एक चीज यहाँ पे बताते हैं, इंडिया जो है इतना फंड्स नहीं दे पाता है. ठीक है, फंड्स इतना नहीं दे पाता है, बट इंडिया ट्रूप्स प्रोवाइड करता है. ठीक है, करीब 2 लाख ट्रूप्स जो है हमने प्रोवाइड की हुई है. ठीक है, अब यहाँ पे चाइना फंड प्रोवाइड करता है लेकिन अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को ध्यान में रख के कुछ कुछ, जैसे आप कई बार वीटो पावर यूज कर देता है. ठीक है, तो ऐसी चीजें करता है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखा है, दिया है, तो ये चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो चाइना इज नाउ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू यूनाइटेड नेशंस रेगुलर बजट एंड सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू पीस कीपिंग बजट. तो इसका जो है थर्ड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है और पीस कीपिंग बजट का सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है. ठीक है, तो फंड्स प्रोवाइड करता है. उसके बाद अगर हम वैसे देखें तो इंडिया जो है फंड्स में 0.73% ऑफ टोटल फंड जो है वो इंडिया प्रोवाइड करता है. ये 10 नहीं है, ये ब्रैकेट है. ठीक है, और यहाँ पे चाइना जो है 7.92% फंड प्रोवाइड करता है यूनाइटेड नेशन को. और यूएस की तो बात ही अलग है, यूएस तो 22% फंड्स प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो इंडिया के कंपैरिजन में चाइना बहुत ज्यादा फंड जो है यूनाइटेड नेशंस में देता है. ठीक, तो वही चीज यहाँ पे बोली गई है, चाइना इज नाउ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू यूनाइटेड नेशन रेगुलर बजट एंड सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू पीस मेकिंग बजट. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है तो यहाँ पे देखो इंडिया इंडिया का कंट्रीब्यूशन इतना है, चाइना का इतना है, यूएस का इतना है. ट्रूप कंट्रीब्यूशन टू पीस कीपिंग डू नॉट. अब जो ट्रूप कंट्रीब्यूशन है उसको इतना रिकग्निशन नहीं मिलता है, उसको इतना रिकग्निशन नहीं मिलता है. जो ज्यादा फंड्स प्रोवाइड करते हैं उनको, जो ज्यादा स्ट्रांग पोस्ट है, ठीक है, वो जो स्ट्रांग पोस्ट है वो उनको मिल जाती है जो ज्यादा फंड प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो ट्रूप जो ज्यादा प्रोवाइड करता है उसको उतना ड्यू रिकग्निशन नहीं मिलता है. ठीक है, तो ये बात यहाँ पे बोली गई है, और ट्रूप्स प्रोवाइड करने में इंडिया आगे है. ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ पिवोटल पोस्ट इन यूएन मिशंस हैव ऑलवेज बीन मेजर फंड कंट्रीब्यूटर. तो ये बात यहाँ पे देखी गई है. ठीक है, तो चाइना हैज यूज्ड इट्स वीटो ओनली 12 times, जिसमें से बट 2 वर कास्ट वेयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट वर इन्वॉल्व. तो जहां पे चाइना के इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व थे तो चाइना ने क्या किया है, वीटो पावर यूज किया है. ठीक है, तो ऐसे कंट्रीज में जो है आते हैं म्यांमार, ठीक है, जिम्बाब्वे, फिर यहाँ पे मंगोलिया, एक है यहाँ पे जापान. ये कुछ कंट्रीज हैं जिसमें चाइना ने जो है अफ्रीका, ठीक है, या तो अगर चाइना के अगेंस्ट कोई गया है तो चाइना ने उसके खिलाफ कोई कदम उठाया है, या जो है अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के हिसाब से कदम उठाया है. ठीक है, तो यहाँ पे 2 और कंट्री हैं, ये है ग्वाटेमाला. ठीक है, तो
और नेक्स्ट इज मैसेडोनिया, ठीक है। तो ये दो कंट्रीज हैं, ये दो कंट्रीज का क्या है, ये दोनों इनके इनके जो है ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, बताती हूँ कि क्या किया है चाइना ने। तो जैसे यहाँ पे लिखा रहता है, चाइना सॉरी चाइना वाज अगेंस्ट सेंडिंग यूएन पीस कीपर्स टू ग्वाटेमाला एंड मैसेडोनिया बिकॉज दे हैड इस्टेब्लिश टाइज विद ताइवान, सॉरी ताइवान, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज इन्होंने बोली है कि यहाँ पे जो है यूएन पीस कीपर्स भेजने के लिए ही डिनाई कर दिया था चाइना ने, क्यों, क्योंकि इनके ताइवान से डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, ठीक है। वेयर इट्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट वर इन्वॉल्व लाइक इन म्यांमार एंड जिम्बाब्वे डिस्पाइट बीइंग लो ऑन ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड। तो यहाँ पे जो है ह्यूमन ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड में जो है ये दोनों कंट्रीज लो है, लो मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स यहाँ पे इतनी ज्यादा नहीं, ह्यूमन राइट्स इतना बड़ा कंसर्न नहीं है यहाँ पे, लेकिन चाइना ने फिर भी इनको फेवर किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो एक मंगोलिया का एग्जाम्पल जो दिया था, तो यहाँ पे है कि वेन दिस सेल्फ सर्विंग एक्ट इज लिंक्ड विद बीजिंग बीजिंग्स अदर रिसेंट कोर्सिव एक्शन अगेंस्ट मंगोलिया ड्यू टू दलाई लामा विजिट। तो मंगोलिया में जो है दलाई लामा ने विजिट किया, तो मंगोलिया के साथ कोर्सिव एक्शंस मंगोलिया पे लिए, ठीक है। उसके बाद अगेंस्ट जापान व्हेन इट इज सेड टू हैव हॉल्टेड एक्सपोर्ट ऑफ रेयर मिनरल, तो जापान को भी इसने नहीं छोड़ा, ठीक है। उसके बाद ये चीज जो है खतरनाक है। तो इन 2015 चाइना कमिटेड अ स्टैंड बाय फोर्स ऑफ 8,000 पीस कीपर्स एंड अ परमानेंट पुलिस स्क्वाड फॉर यूएन ऑपरेशन, ठीक। तो कहाँ हमारे 2 लाख सोल्जर्स, ठीक है, कहाँ चाइना के 8,000 जो प्रॉमिस किए थे चाइना ने, ठीक है। उसके बाद इन एडिशन देयर इज अ 10 ईयर 1 बिलियन चाइना यूएन पीस एंड डेवलपमेंट फंड। तो ये फंड प्रोवाइड करता है, ठीक है। ट्रूप्स इतने नहीं होते, जब कहीं खतरा होता है तो यहाँ पे ट्रूप्स जो है वो इंडिया के सोल्जर्स जो है सबसे आगे रहते हैं, ठीक है। जहाँ भी कोई कहीं पे भी जहाँ पे डेंजर ज्यादा होता है वहां पे इंडिया के सोल्जर्स आगे रहते हैं। चाइना सिर्फ फंड्स प्रोवाइड करता है और फंड्स के चलते ही जो है अपने वेस्टेड इंटरेस्ट भी पूरे करता रहता है साथ साथ में। तो यही सब चीजें यहाँ पे दी है। अफ्रीका इज वेयर चाइना हैज लार्ज इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ठीक है। तो अफ्रीका भी है, अफ्रीका यहाँ पे ये रहा, अफ्रीका जापान हो गया, ठीक है। तो ये कुछ कंट्रीज यहाँ पे बताई हैं। तो अफ्रीकन कोस्ट को यूज करके यूज कर रहा है चाइना फॉर एंटी पायरेसी पेट्रोलिंग, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पे दी गई हैं। उसके बाद ये 2 लाख ट्रूप्स जो है नियरली 50 ऑफ मतलब 71 यूएन पीस कीपिंग मिशंस अभी चल रहे हैं। तो नियरली 50 मिशंस में जो है इंडिया ने अपनी 2 लाख ट्रूप्स जो है प्रोवाइड किए हुए हैं। तो वही है कि ट्रूप्स जो ज्यादा प्रोवाइड करता है उसको रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, जो फंड्स प्रोवाइड करता है उसको रिकॉग्निशन मिल रही है। तो ये चीज है। द ट्रूथ इज दैट दो आर ट्रूप्स हैव बीन ऑन फ्रंट लाइन ऑफ फेसिंग डेंजर, ठीक है। तो अब तक 168 सोल्जर्स ने जो है यूएन ऑपरेशन में अपनी जानें गंवा दी हैं, ठीक है। द रिटर्न इन यूएन पावर प्ले हैज बीन लो। तो यहाँ पे ये चीज है। और उसके बाद यूएनएससी में भी जो है चाइना अपोज कर रहा है इंडिया, इंडिया जो यूएनएससी में परमानेंट सीट चाहता है तो चाइना उसको भी अपोज कर रहा है, ठीक है। बार बार वीटो यूज करता है, मसूद अजहर इशू में भी बार बार वीटो यूज कर देता है। तो ये सब चीजें हैं। यूएन का जो एक मेन एक बोलते हैं ना कि मेन कारण जो है होता है किसी चीज के बनने का, ठीक है, वो है पीस कीपिंग मिशंस, ठीक है। तो ये लाइन यहाँ पे यही लिखी है, इंडियाज जेनरस कॉन्ट्रीब्यूशन एज फार एज पीस कीपिंग ट्रूप्स आर कंसर्न शुड बी द की इन इट्स आर्ग्यूमेंट टू हैव ग्रेटर से इन अफेयर्स ऑफ यूएन। तो यहाँ पे एक तरह से मतलब इंडिया को रिकग्निशन मिलनी चाहिए, इंडिया की इन्वॉल्वमेंट जो है ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, पर उतनी हो नहीं रही है। तो ये इस आर्टिकल में दिया हुआ है। उसके बाद फॉर क्लीन एयर इंडिया नीड्स अ पॉलिसी लीप। तो देखो यहाँ पे दो चीजें, दो इस आर्टिकल के स्टार्टिंग में जो है दो फैक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। एक तो ये है कि 19 लाख लोग, 19 लाख पीपल जो है प्री मैच्योर डेथ के शिकार हो जाते हैं, ठीक है।
एयर पॉल्यूशन की वजह से, चाहे वो इंडोर हो चाहे वो आउटडोर हो, तो यहाँ पे 19 लाख पीपल जो है प्री मैच्योरली प्री मैच्योर डेथ उनकी हो जाती है, ठीक है, एयर पॉल्यूशन की वजह से। सेकंड चीज़ यहाँ पे दी हुई है कि जो स्पेशली जो दिल्ली के बच्चे हैं उनके लंग्स का जो साइज है, ठीक है, वो 10% स्मॉल होता है जो बच्चे यूएस के हैं, ठीक है, जो बच्चे यूएस में हैं और जो बच्चे दिल्ली में हैं, ठीक है। तो यहाँ के बच्चों का जो लंग्स साइज होता है वो 10% स्मॉल होता है कंपैरेटिव टू जो बच्चे यूएस में रह रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे है प्रॉब्लम क्या है, मतलब ये जो दो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई, ये ऑलमोस्ट ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इशू हैं, इश्यूज हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि टोटल ग्रीन हाउस गैसेस का 75% जो है वो CO2 एमिशन CO2 होता है, ठीक है, प्रोड्यूस थ्रू थ्रू बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, ऑयल, कोल, नेचुरल गैस टू जनरेट एनर्जी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि वर्ल्ड बैंक डेटा है ये, इन 2014 इंडियाज टोटल कार्बन एमिशंस वर मोर देन 3 टाइम्स द लेवल्स इन 1990, यानी कि 1990 में जितना था 2014 में उसका 3 टाइम्स जो है टोटल कार्बन एमिशन जो है वो बढ़ गया है। तो ये जो है वर्ल्ड बैंक डेटा है, दिस इज बिकॉज ऑफ इंडियाज हैवी डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स एंड अ ड्रामेटिकली लो लेवल ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो एनर्जी एफिशिएंसी का लेवल जो है बहुत ही ज़्यादा लो है और इंडियाज हैवी डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, ठीक। अब इसका वे आउट यहाँ पे एक सजेस्ट किया हुआ है, वो ये है, एमिशंस कैन बी कर्व कर्व्ड ओनली इफ पीपल आर परसुएडेड टू मूव अवे फ्रॉम, जब तक लोग फॉसिल फ्यूल्स यूज करते रहेंगे तब तक ये नंबर जो है बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। तो एक ही तरीका है कि लोगों को एनकरेज किया जाए, लोगों को मतलब एक परसुएड, मतलब एक एक तरह से किसी भी तरह से उनको जो है फॉसिल फ्यूल्स यूज करने से रोका जाए, ठीक है, एंड एडॉप्ट ग्रीनर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब देखो जो लोअर स्ट्रेटा है हमारी सोसाइटी में, ठीक है, जिन जो गरीब लोग हैं, जो जिनके लिए जो है अपना खाना ही अरेंज करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है, तो वो ऑब्वियस ही बात है उनको एनवायरनमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उनको एनवायरनमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो काम सस्ते में हो जाता है तो वो उसको अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लोग अपने आप मानेंगे नहीं, इसके लिए सरकार को ही कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाउ डू वी अचीव दैट, टैक्स कार्बन पहली चीज, ठीक है। अभी आगे बहुत कुछ दिया हुआ है, तो पहला जो इन्होंने बोला है टैक्स कार्बन, तो अब दूसरी चीज यहाँ पे दी है, इंडियन इकोनॉमीज एनर्जी मिक्स नीड, ठीक है, टू बी रीमॉडल्ड, ये लोगों को लेके था, मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो है प्रो रिच आर्टिकल है, ऐसा कुछ नहीं है, आगे जो है ये समस्या भी इन्होंने इसका भी सुझाव दिया है। तो अभी हम सिर्फ इतना देख लेते हैं कि लोगों को जो है एक तो परस्यू करना है, एक तो उनको इनको किसी तरह जो है फॉसिल फ्यूल से हटा के जो है कुछ ग्रीनर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी अडॉप्ट करने के लिए मोटिवेट करना है, ठीक है। द इंडियन इकोनॉमी एनर्जी मिक्स नीड्स टू बी रीमॉडल्ड थ्रू इन्वेस्टमेंट्स इन क्लीन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो अब जो हमारा हमारी जो इंडियन इकोनॉमी की जो एनर्जी नीड्स हैं, हमें उसको रीमॉडल करना होगा थ्रू इन्वेस्टमेंट, हमें इन्वेस्टमेंट करनी होगी, सीधे 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 बोलें तो हमें इन्वेस्टमेंट करनी होगी क्लीन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए, जैसे सोलर, विंड, हाइड्रो, जियोथर्मल, ठीक है, लो एमिशन बायो एनर्जी बाय रेजिंग लेवल ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है। तो इसका लेवल हमें इंक्रीज करना होगा थ्रू इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग रेट्रोफिट ग्रिड अपग्रेड एंड इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी। तो ये कुछ दो तीन चीजें हैं, थ्रू इन्वेस्टमेंट इन क्लीन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक। उसके बाद बाय रेजिंग द लेवल ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी थ्रू इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग रेट्रोफिट ग्रिड अपग्रेड एंड इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी। आगे क्या दिया है, तो
इन्होंने एस्टिमेट जो लगाया है उसके हिसाब से दिस एनर्जी मिक्स ओवरहॉल रिक्वायर एडिशनल 1.5% ऑफ जीडीपी एनुअली ओवर नेक्स्ट 2 डेकेड. ठीक है, तो अगले 2 डेकेड तक अगर हमारी जो जीडीपी है, अभी जो करंट जीडीपी है उससे जो है एडिशनल 1.5% ऑफ जीडीपी. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है टू द करंट एनुअल लेवल ऑफ 0.6. ठीक है, तो एक ये है यहाँ पे, सिंस दिस एक्सपेंडिचर इज फाइनेंस्ड बाय कार्बन टैक्स रेवेन्यू. देखो यहाँ पे कार्बन को टैक्स करने की बात की थी इन्होंने. ठीक है, तो सिंस दिस एक्सपेंडिचर इज फाइनेंस्ड बाय कार्बन टैक्स रेवेन्यू इट विल बी रेवेन्यू न्यूट्रल पॉलिसी विद नो इम्प्लीकेशन ऑन फिस्कल डेफिसिट. जब हम जो हम कार्बन को टैक्स कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे उससे जो जो वो टैक्स मनी आ रही है, ठीक है, उसको यूज करके जो है उसको हम यूज करेंगे इस पॉलिसी में. जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो ये फाइनेंस करेगा, जो यहाँ पे कार्बन को टैक्स करके जो यहाँ पे रेवेन्यू आ रहा है उसको हम यूज करेंगे एक्सपेंडिचर में. जो भी इस चीज के लिए एक्सपेंडिचर होगा, जो जैसे यहाँ पे लिखा है इन्वेस्टमेंट इन क्लीन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, लेवल ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, तो इसमें जो एक्सपेंडिचर होगा कहाँ से आएगा वो पैसा, जो हम कार्बन को टैक्स करके रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं. ठीक है, तो विद नो इम्प्लीकेशन ऑन फिस्कल डेफिसिट. देयर इज हाउएवर अ प्रॉब्लम विद कार्बन टैक्स. अब मैं जो आपको बता रही थी यहाँ पे कि हमें जो गरीब लोग हैं को जो 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 सामान उनको, मतलब जैसे उनको उनको फर्क नहीं पड़ता कि एनवायरनमेंट आपका खराब हो रहा है, एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है क्योंकि हम ये घास फूस जला रहे हैं. ठीक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उपले वगैरह जला रहे हैं तो उससे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, उनको वो आसानी से मिल जाता है तो वो अपना काम कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को ऐसा क्या स्टेप लेना पड़ेगा कि जो जो पुअर पीपल हैं वो जो है एक तरह से एनकरेज हो, ताकि मतलब एक तरह से ग्रीनर सोर्स ऑफ एनर्जी अडॉप्ट करने के लिए वो एनकरेज हो. ठीक है, तो यहाँ पे है यही प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस की गई है. देयर इज हाउएवर अ प्रॉब्लम विद कार्बन टैक्स, इट इज रिग्रेसिव इन नेचर, इट अफेक्ट्स पुअर मोर देन रिच. रिच लोगों का तो चलो चल जाएगा, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको ये बहुत ज्यादा इफेक्ट कर, वो कहाँ से लाएंगे इतना मतलब अपने जो भी अरेंजमेंट वो कहाँ से लाएंगे. तो यहाँ पे है इकोनॉमिस्ट इन द वेस्ट हैव आर्ग्यूड फॉर अ टैक्स एंड डिविडेंड पॉलिसी. ठीक है, अकॉर्डिंग टू विच रेवेन्यू दस जनरेटेड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अक्रॉस द सिटीजन एंड एज अ रिजल्ट द पुअर आर मोर कंपनसेटेड फॉर द लॉस. तो जब आप कार्बन टैक्स करते हो, जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पे ये जो टैक्स एंड डिविडेंड पॉलिसी है इसके अकॉर्डिंग क्या है कि आप सब में इक्वली बांट दो. ठीक है, तो यहाँ पे जो है पुअर पीपल, जो गरीब लोग हैं उनको बेनिफिट होगा और रिच लोगों को जो है मतलब उनको रिच लोगों से ज्यादा जो है पुअर पीपल को बेनिफिट होगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये बात इकोनॉमिस्ट बोलते हैं और ये बात जो है वेस्ट में ही अप्लाई होती है, ये इंडियन कंटेक्स्ट में अप्लाई ही नहीं होती है. ठीक है, सच अ पॉलिसी ऑफ कैश ट्रांसफर, इस तरह से जो कैश ट्रांसफर पॉलिसी है वो इंडियन कंटेक्स्ट में मतलब काम नहीं करती है. ठीक, तो इकोनॉमिस्ट इन वेस्ट हैव आर्ग्यूड फॉर अ टैक्स एंड डिविडेंड पॉलिसी अकॉर्डिंग टू विच रेवेन्यू दस जनरेटेड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अक्रॉस इट सिटीजन्स एंड एज अ रिजल्ट द पुअर आर मोर देन कंपनसेटेड फॉर द लॉस सिंस इन एब्सोल्यूट अमाउंट रिच पे मोर कार्बन टैक्स देन द पुअर. ठीक है, तो गरीब लोग जो है वो कम कार्बन टैक्स भरेंगे और रिच लोग जो है वो ज्यादा कार्बन टैक्स भरेंगे, और फिर उसके बाद जब इक्वली डिवाइड होगा तो लॉस से ज्यादा उनको बेनिफिट होगा. ठीक है, लेकिन ये बात इंडियन कंटेक्स्ट में नहीं होती, कैश ट्रांसफर वाली पॉलिसी जो है इंडियन कंटेक्स्ट में फिट नहीं बैठती, ये कभी काम नहीं करती. तो अब इन्होंने क्या इसके लिए भी इसमें भी एक इन्होंने ऑल्टरनेटिव सजेस्ट किया है, वो क्या है, इंस्टेड ऑफ अ कैश ट्रांसफर द अदर पार्ट ऑफ कार्बन रेवेन्यू कैन बी यूज फॉर इन काइंड ट्रांसफर ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी. तो इन्होंने बोला ठीक है, आप यहाँ पे कैश ट्रांसफर मत करो, आप यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दो. ठीक है, उतना जो जितना आप कैश ट्रांसफर करोगे उतना ही आप यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दो. ठीक है,
टू द पॉपुलेशन दैट कॉन्ट्रीब्यूट लेस कार्बन देन द इकोनॉमी एवरेज. और एक पॉइंट और यहाँ पे बोला, एक तो ये प्लस यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रेवल पासेस टू कंपनसेट फॉर द राइज इन जो जैसे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में जो राइज आती है, मतलब एक ये ट्रेवल पासेस यहाँ पे दे दो ताकि लोग ज़्यादा जो है ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने के लिए एनकरेज हों. ठीक है, तो एक यहाँ पे ये चीज़ बोली है टू कंपनसेट फॉर द राइज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड टू एनकरेज द यूज़ ऑफ ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट. ठीक है, तो ये दो चीज़ें यहाँ पे बोली हैं. एज ऑफ 2014 मोर देन 20% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन डिड नॉट हैव एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी. इन जुलाई 2012 इंडिया एक्सपीरियंस्ड ए ब्लैकआउट अफेक्टिंग रफली 70 करोड़ पीपल. ठीक, थ्रू दिस राइट टू एनर्जी प्रोग्राम एवरी हाउस होल्ड इन इंडिया विल हैव एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी. अब यहाँ पे हम लोग बेनिफिट्स डिस्कस कर रहे हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट होंगे. ठीक है, एवरी हाउस होल्ड इन इंडिया विल हैव एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी विच ऑलमोस्ट ऑल गवर्नमेंट सिंस इंडिपेंडेंस हैव ड्रीम्ड ऑफ बट हैव फेल्ड टू डिलीवर. ठीक है, बहुत सारी गवर्नमेंट आती हैं जाती हैं, सब वादा करते हैं कि सब सारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, तो इंडिया के हर घर में इलेक्ट्रिसिटी होगी बट कोई इतना डिलीवर नहीं कर पाता. ठीक है, लेकिन इस प्रोग्राम को अगर हम अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं तो हर घर में जो है बिजली हो सकती है. दूसरा यहाँ पे है द फ्री एंटाइटलमेंट ऑफ फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर हाउस होल्ड वर्कआउट टू. ये इन्होंने एक लिमिट सेट कर दी है. ठीक है, फ्री एंटाइटलमेंट ऑफ फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर अ हाउस होल्ड वर्क आउट टू 189 किलोवाट पर किलोवाट आर पर मंथ. ठीक, बेस्ड ऑन आर कैलकुलेशन फ्रॉम ये NSS जो नेशनल सैम्पल सर्वे होता है उसका डेटा यूज़ करके इन्होंने ये एक लिमिट सेट कर दी है. और इन्होंने बोला है कि अगर इससे ज़्यादा जो है बिजली अगर खर्च हो रही है तो पूरा चार्ज करो, पूरा चार्ज करो अगर इससे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं वो लोग बिजली तो. ठीक है, और अगर इतनी कर रहे हैं तो फ्री रखो. जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात हुई है, अगर इतनी कर रहे हैं तो फ्री रखो, अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो पूरा चार्ज करो. चार्ज इन फुल टू कंट्रोल मिसयूज ऑफ दिस पॉलिसी. उसके बाद यहाँ पे ट्रेवल पासेस जो देने की बात कर रहे हैं विद अ प्री लोडेड बैलेंस, पहले से उसमें बैलेंस रहेगा अमाउंट ऑफ अराउंड 4600 रुपीज पर हाउस होल्ड पर एनम. ठीक है, विच कैन बी यूज इन एनी मोड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्राइवेट और गवर्नमेंट लाइक विल बी अवेलेबल फॉर एवरी हाउस होल्ड. तो यहाँ पे ट्रैवल पासेस की बात, मतलब ट्रैवल पासेस की क्यों, क्यों ताकि आप यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसके लिए लोग एनकरेज हों. ठीक है, एमिशन कर्व होगा इससे, फ्यूल फॉसिल्स अगर जलाना बंद कर देंगे लोग तो एमिशंस इससे कर्व हो जाएगा. उसके बाद प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट सिंस द एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी इन ग्रीनर फॉर्म, मतलब जैसे सोलर पावर जनरेशन में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. ठीक है, हायर देन दोज इन फ्यूल फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी. उसके बाद हायर प्राइसेस ऑफ कमोडिटी अकॉर्डिंग टू देयर कार्बन कंटेंट, जिसमें जितना कार्बन कंटेंट है उसका उतना ही ज़्यादा प्राइस. ठीक है, तो ये क्या है, डिस्करेज करेगा लोगों को ज़्यादा कार्बन कंटेंट, मतलब ज़्यादा ग्रीनर सब्स्टिट्यूट ढूंढने में एक तो. ठीक है, दूसरा कम जिसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा है ऐसी चीज़ों को कम यूज़ करने में. ठीक है, करने के लिए लोगों को एनकरेज करेगा, मतलब ग्रीनर सब्स्टिट्यूट में इंक्रीज होगा और जिसमें भी कार्बन कंटेंट ज़्यादा है उसमें एक डिक्रीज देखा जाएगा. ठीक है, तो हायर प्राइस ऑफ कमोडिटी अकॉर्डिंग टू देयर कार्बन कंटेंट. दे हैव द इफेक्ट ऑफ एंटाइसिंग इवन द पुअर टू मूव अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी कंजम्पशन बिकॉज द प्राइस ऑफ एनर्जी विल बी जीरो फॉर देम प्रोवाइडेड दे कंज्यूम लेस देन द कट ऑफ लिमिट. तो अगर इतने से कम बिजली वो यूज कर रहे हैं तो प्राइस जीरो रहेगा, फ्री एंटाइटलमेंट. ठीक है, तो बेसिकली समझ में आया कि यहाँ पे एक और पॉइंट है कि द इशू ऑफ स्टीलिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी स्टीलिंग का कोई फिर तो इशू ही नहीं रह जाएगा. ठीक है, जब फ्री में मिल रही है तो कोई क्यों चुराएगा, जब कोई चीज आपको फ्री मिल रही है तो कोई क्यों चुराएगा फिर. ठीक है, तो बिजली चुराने की बात ही यहाँ पे खत्म हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे दिया है इन इंडिया इवन इन 2014 द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज स्टोलन
थ्रू करप्ट मीन्स अमाउंट्स टू अबाउट 0.8% ऑफ जीडीपी। उसके बाद हेल्थ बेनिफिट तो है ही, जो मैंने बताया था कि यहाँ के बच्चों के लंग्स जो हैं 10% स्मॉलर। तो जब एयर पॉल्यूशन अगर हम उसको टैकल करेंगे तो ऑब्वियसली बात, हेल्थ बेनिफिट्स तो इतने हैं कि हम उसको काउंट नहीं कर सकते, बट इन्होंने फिर भी यहाँ पे रफ मेजर बता दिया है, अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ मोर देन 3% ऑफ इंडियाज जीडीपी करेंटली स्पेंट ऑन पॉल्यूशन इंड्यूस्ड डिसीजेस। ठीक है, तो ये पक्का कम हो जाएगा। तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स इतने हैं कि हम काउंट नहीं कर सकते, और ये जो इन्होंने बताया है सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ मोर देन 3% ऑफ इंडियाज जीडीपी करेंटली स्पेंट ऑन पॉल्यूशन इंड्यूस्ड डिसीजेस, ये पक्का कम हो जाएगा। तो हो क्या रहा है, एक ओवरऑल इसका यहाँ पे समरी बताती हूँ। कार्बन को टैक्स करो, यानी कि ठीक है, उसके बाद जो भी चीज़ जिसमें भी कार्बन है, जो उसका जितना यूज़ होता है, तो उसको जो है एक तरह से टैक्स करो। जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा उसको यूज़ करो एक्सपेंडिचर में। कौन सा एक्सपेंडिचर? जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करी है कि ये जो इन्वेस्टमेंट की बात की है इन क्लीन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सोलर विंड हाइड्रो जियोथर्मल, एनर्जी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में, ठीक है, और किस चीज़ में, जैसे फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइड करने की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं 189 किलोवाट आर पर हाउस होल्ड पर एनम, नहीं पर एनम नहीं, पर मंथ, ठीक है, पर आ हाउस होल्ड पर मंथ, ठीक है, तो यहाँ पे पर मंथ ये एक हाउस होल्ड का। इससे ज़्यादा अगर कंज्यूम करते हैं तो उनको चार्ज करो, ये जो चार्ज करेंगे ये फिर यहाँ पे जाएगा रेवेन्यू में, ठीक। और उसके बाद क्या, ट्रेवल पासेस दो ताकि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के लिए मजबूर हों, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी जो है ये जो इन इसमें भी जो एक तरह से ग्रीन टेक्नोलॉजी जो यूज़ होगी उसमें भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये एक्सपेंडिचर इसमें भी आता है, ठीक है। उसके बाद ट्रेवल पासेस यूज़ करेंगे लोग, और क्या यहाँ पे बेनिफिट्स तो मैंने आपको बता दिया कि एक तो इशू ऑफ स्टीलिंग इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे हायर प्राइस ऑफ कमोडिटी अकॉर्डिंग टू देयर कार्बन कंटेंट हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एमिशन कर्व होगा, ट्रेवल पासेस हैं तो लोग ज़्यादा पब्लिक मोड पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, ठीक है, और इसमें भी ट्रेवल पासेस में कितना 4600 पर हाउस होल्ड पर एनम, ठीक। फिर इसके बाद फ्री एंटाइटलमेंट राइट टू एनर्जी प्रोग्राम है ये, ठीक। कैश ट्रांसफर की बजाय जो है यहाँ पे इन काइंड ट्रांसफर ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी दैट कॉन्ट्रीब्यूट, यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी है ये याद रखना ये ग्रीनर सोर्स से है, ठीक है, तो टू पॉपुलेशन दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू लेस कार्बन देन इकोनॉमी एवरेज, ये सब हो गया। उसके बाद ये सजेस्ट किया था बट ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं है एप्लीकेबल। उसके बाद कार्बन टैक्स में जो प्रॉब्लम है वो बता दी क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, और इसमें ये इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे टैक्स कार्बन, ठीक। तो ये चीज़ें थी इस आर्टिकल में, मुझे काफ़ी अच्छा आर्टिकल लगा, आई होप आपको भी समझ में आया होगा। उसके बाद पावरिंग रूरल हेल्थ केयर, तो जैसे मैंने बताया था कि रूरल एरियाज में जो है जो प्राइमरी हेल्थ केयर होते हैं तो उसमें कई बार कई हेल्थ केयर ऐसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस ही नहीं होता, ठीक है, तो ये फर्स्ट लाइन यहाँ पे यही दिखा रही है, अराउंड 38 मिलियन इंडियंस रिलाई ऑन हेल्थ फैसिलिटीज विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद एक यहाँ पे स्टडी है ये पावरिंग प्राइमरी हेल्थ केयर थ्रू सोलर इन इंडिया, सोलर एनर्जी को यूज करके इनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करो, पहली चीज, लेसन्स फ्रॉम छत्तीसगढ़, तो ये छत्तीसगढ़ का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, पब्लिश रिसेंटली बाय काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर, ठीक है, ये सब चीजें, इवेल्युएट 147 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर अक्रॉस 15 डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक, इट हाईलाइट द रोल ऑफ सोलर एनर्जी इन ब्रिजिंग द गैप्स इन इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इन रूरल हेल्थ केयर, मतलब
सोलर एनर्जी प्रोवाइड की, उसके बाद क्या देखा गया, क्या ऑब्जर्वेशन हुई, ठीक है, कि एक जो है पावर डेफिसिट प्राइमरी हेल्थ केयर है और यहाँ पे पावर सरप्लस प्राइमरी हेल्थ केयर है, तो उनकी फंक्शनिंग में और जो बोल सकते हैं जो कॉन्सिक्वेंस हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के बाद, ठीक है, वो क्या क्या हैं, तो ये सब चीज़ें हाईलाइट की गई हैं इसमें, ठीक है। तो उसके बाद इन रूरल इंडिया प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड लास्ट मील डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। तो उसके बाद रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक 2016 डेटा फाउंड फाइंड दैट इंडिया हैज़ अराउंड 25,000 प्राइमरी हेल्थ केयर एंड फंक्शनल पीएचसीज 4.6% आर नॉट इलेक्ट्रिफाइड। तो इसका जो 4.6% ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर है दे आर नॉट इलेक्ट्रिफाइड, उसमें इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, ठीक है। तो किसी प्राइमरी हेल्थ केयर में इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, तो सब मतलब एक तो ये देखो इक्विपमेंट कैसे काम करेंगे, ठीक है, और भी चीज़ें हैं, अभी आगे इसको आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे है यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सच एज सोलर कुड हेल्प पीएचसीज आर ऑगमेंट एंड इवन सब्स्टिट्यूट ट्रेडिशनल ग्रिड बेस्ड पावर सिस्टम। तो मतलब अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, अगर हम सोलर एनर्जी यूज़ करते हैं, तो हमें जो ट्रेडिशनल जो हमारे एनर्जी सोर्सेज हैं वहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी लाने की ज़रूरत ही नहीं है, सोलर एनर्जी हम खुद पीएचसीज में ही जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये बात बोली गई है। तो सोलर एनर्जी के थ्रू जो है उनको इलेक्ट्रिफाइड करवाया जाए। तो द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सच एज सोलर कुड हेल्प पीएचसीज ऑगमेंट, ऑगमेंट मतलब होता है इंक्रीज, और इवन सब्स्टिट्यूट, बिल्कुल सब्स्टिट्यूट ही कर दो ट्रेडिशनल ग्रिड बेस्ड पावर सिस्टम, ठीक है। दिस वुड हेल्प द ट्रांजिशन टुवर्ड अ लो कार्बन क्लाइमेट स्मार्ट हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है। तो क्लाइमेट फ्रेंड मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, क्लाइमेट को कोई नुकसान नहीं हो रहा है क्योंकि हम ट्रेडिशनल ग्रिड बेस्ड पावर सिस्टम यूज़ नहीं कर रहे हैं, लो कार्बन है, ठीक है। तो ये जो है एक तरह से एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। जो आर्टिकल अभी हमने पहले डिस्कस किया उससे थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है, बट यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर की बात हो रही है। सोलर सिस्टम कैन फैसिलिटेट रिलायबल अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई क्रिटिकल फॉर 24/7 एमरजेंसी सर्विसेज डिलीवरीज न्योनेटल केयर एंड एज वेल एज पेशेंट एंड आउटपुट इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट सर्विसेज, ठीक है। तो ये सब फैसिलिटीज जो है सोलर सिस्टम प्रोवाइड कर सकता है। 24/7 मेडिकल एमरजेंसी सर्विसेज डिलीवरीज न्योनेटल केयर इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पे है ये छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, तो इन्होंने 2000 मतलब इन 4 साल में इन्होंने जो है इंस्टॉल की ऑफ ग्रिड सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम ऑफ 2 किलोवाट ईच इन 570 प्राइमरी हेल्थ केयर, मतलब इन्होंने इंस्टॉल करा, ठीक है, सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम। अब यहाँ पे क्या चीज़ें देखने को मिली हैं, ये यहाँ पे डिस्कस करती हूँ कि जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है जिन प्राइमरी हेल्थ केयर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, बोल सकते हैं पावर डेफिसिट पीएचसीज, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, जैसे हाई आईएमआर, आईएमआर क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कैसे, पहली चीज यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, डिलीवरीज, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो अंधेरे में डिलीवरी कैसे होगी, इक्विपमेंट्स काम नहीं करेंगे यहाँ पे, इक्विपमेंट्स के बाद अगर एक बार बच्चे ने जन्म लिया उसके बाद हो सकता है उसको मतलब कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जिसमें उसको रखा जाता है, तो जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वो सब कैसे चलेंगे, मतलब कुछ चीज़ें होती हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे देखा गया कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है हाई देखा गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे है हाई अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 का मतलब जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है एक फुल्ली इम्यूनाइज्ड चिल्ड्रन जो होते हैं उनकी पॉपुलेशन जो है लोअर है, ठीक है, तो लोअर पॉपुलेशन ऑफ फुल्ली इम्यूनाइज चिल्ड्रन, ठीक है। इक्विपमेंट्स का मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो जैसे वैक्सीन वगैरह कभी कभी स्टोर करने के लिए, कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं जिनको फ्रिज वगैरह में स्टोर करना पड़ता है, ठीक है, तो हमें उसके लिए जो है कोल्ड चेन
जो भी हॉस्पिटल्स या प्राइमरी हेल्थ केयर्स वगैरह हैं, तो उनको कोल्ड चेन मेंटेन करनी पड़ती है, वो वैक्सीन स्टोर करने के लिए, कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं तो उनको स्टोर करने के लिए कोल्ड चेन मेंटेन करनी पड़ती है, तो वो नहीं हो पाता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो कहाँ से हो पाएगा। ठीक, तो उसके बाद टू ऑपरेट न्यू बॉर्न केयर इक्विपमेंट्स, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे और होता है कि कई बार इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है तो लोग जाना पसंद नहीं करते, गर्मी के टाइम पे कौन जाएगा वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है इस तरह से। ठीक है, तो लोग इतने विलिंग इतना विल पावर नहीं दिखाते हैं कि वहाँ पे जाके अपना ट्रीटमेंट करवाएं। ठीक है, तो पावर डेफिसिट पीएचसी की ये प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद जब देखा गया है कि जब सोलर पावर्ड प्राइमरी हेल्थ केयर है, तो उसमें क्या है, पहली चीज यहाँ पे है कि 50% मोर पेशेंट्स देखे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे दूसरी चीज है कि ये जो मैंने बताया था कि कोल्ड चेन मेंटेन करनी पड़ती है, तो ये कोल्ड चेन मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, वैक्सीन हो गया, ड्रग्स हो गए स्टोर करने के लिए, जिनको कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे न्यू न्यू यहाँ पे ये होना चाहिए बॉर्न केयर। ठीक है, न्यू बॉर्न केयर इक्विपमेंट्स, ये अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, और हमने यहाँ पे देखा कि 24/7 इमरजेंसी सर्विसेज, डिलीवरीज, न्यूनेटल केयर, ये सब इसमें आ जाएगा। ठीक, फिर इसमें यहाँ पे एक और चीज़ है, कॉस्ट सेविंग। ठीक है, ड्यू टू लोअर इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड रिड्यूस्ड एक्सपेंडिचर इन डीजल, तो एक तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल और एक डीजल, इसमें जो है एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो रहा है। ठीक, और इसमें क्या है, इसमें और क्या हो सकता है बस, और यहाँ पे पेशेंट जो है ज़्यादा विलिंग होते हैं, तो इसीलिए शायद इसीलिए 50% मोर पेशेंट हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखने को मिली हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक, आगे देखते हैं, स्केलिंग अप सोलर पावर सिस्टम अक्रॉस पीएचसीज इन रूरल इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन 3 फैक्टर्स, क्या हैं वो फैक्टर्स, टू रिकॉग्नाइज द क्रिटिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इन एंटायर हेल्थ सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमें पूरे अपने जो जो पूरा हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमें उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस चाहिए। तो यहाँ पे नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो 2017, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 रीइटरेट द कमिटमेंट टू इम्प्रूव प्राइमरी हेल्थ केयर बाय स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, एबिलिटी टू अडेप्ट सोलर सिस्टम अराउंड द लोकल नीड्स एंड कंसिड्रेशन ऑफ पीएचसीज इंक्लूडिंग बर्डन ऑफ डिसीज, किस जगह पे कितना बर्डन ऑफ डिसीज है, वहाँ का वेदर कैसा है, अगर वहाँ पे बार बार जो है तूफान आता रहता है, बार बार वहाँ पे फ्लड आता रहता है। ठीक है, तो उसको देख के पावर अवेलेबिलिटी, टेरेन, बर्डन ऑफ डिसीज, कहीं कहीं पे कोई कोई बीमारी बहुत ज़्यादा होती है, उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो द एबिलिटी टू अडेप्ट सोलर सिस्टम अराउंड द लोकल नीड्स एंड कंसिडरेशन ऑफ पीएचसीज, तो यहाँ पे एक चीज बोलिए कि डिजास्टर प्रोन एरियाज दैट नीड ब्लड स्टोरेज यूनिट एंड अदर हेल्थ सर्विसेज कुड इन्वेस्ट हाई इन हायर कैपेसिटी सिस्टम और जनरेट स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है, तो देखो स्टोरेज की बात आती है तो ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बिना इलेक्ट्रिसिटी के कैसे स्टोर करेंगे। ठीक है, देयर मस्ट बी अ फोकस ऑन मेकिंग सोलर फॉर हेल्थ अ नेशनल प्रायोरिटी, मतलब हेल्थ केयर में सोलर पावर को हमें यूज करना है और इसको हमें अपनी प्रायोरिटी बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे टर्म है सोलर फॉर हेल्थ, स्केलिंग सोलर सिस्टम 5 किलोवाट अक्रॉस पीएचसीज टू पावर हेल्थ केयर सर्विस कुड कॉन्ट्रीब्यूट टू अबाउट 160 मेगावाट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी कैपेसिटी। तो ये सब चीज़ें दी गई हैं। पहला कि हमें हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, उसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस प्रोवाइड करना है। दूसरा, वहाँ के जो लोकल एरिया है, वहाँ की जो रीजनल सिचुएशंस हैं, वहाँ पे वहाँ का वेदर, ठीक है, वहाँ पे क्या क्या, अगर डिजास्टर प्रोन एरिया है तो हमें ज़्यादा ब्लड स्टोरेज हमें ज़्यादा रखना पड़ेगा, बाकी हेल्थ सर्विसेज भी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो उन सबको ध्यान में रख के जो है यहाँ पे सोलर एनर्जी की इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पे सोलर एनर्जी को वही है कि हमें नेशनल प्रायोरिटी बनाना है हेल्थ सेक्टर में। ठीक
ठीक है। तो ये तीन चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई थी। उसके बाद यहाँ पे जातीज, बैकवर्ड और डोमिनेंट, तो ये जो है यहाँ पे देखो, पाटीदार इन गुजरात, जाट्स इन राजस्थान, मराठाज इन महाराष्ट्र हैव बिन डिमांडिंग इंक्लूजन अमंग ओबीसीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों वो ऐसा डिमांड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये अश्विनी देश पांडे एंड राजेश रामचंद्रन इन डोमिनेंट और बैकवर्ड, पब्लिश्ड इन ये ईपीडब्ल्यू में पब्लिश हुआ है ये। एग्जामिन वेरियस सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स फॉर थ्री जातीज इन रिलेशन टू अदर इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट यूजिंग इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे ऑफ 2011 और 12। इसको बेसिस बना के जो है ये जो स्टडी की गई है, ठीक है, कि इनकी डिमांड जो है जस्टिफाइड है या जस्टिफाइड नहीं है, इसको बेसिस बना के, ठीक है। द पेपर फाइंड्स इंटर ग्रुप वेरिएशन इन हाउस होल्ड लेवल इनकम। तो यहाँ पे दिया है थ्री जातीज आर बेटर ऑफ ओबीसीज ग्रुप, मतलब इन्होंने इन्होंने बोला है कि ओबीसीज से बेटर हैं ये तीनों जातीज, ठीक है। जो भी घर, जो भी हाउस होल्ड्स जो इसमें आते हैं वो ओबीसीज से बेटर हैं। ये जो है बेसिकली ये फॉरवर्ड कास्ट, यानी कि एक जैसे हमारे सोसाइटी में बोलते हैं कि ऊंची जाति के लोग जो होते हैं तो उनके आसपास ये लोग आते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड कास्ट। इनका जो है एग्रीकल्चर इनका मेन ऑक्यूपेशन होता था, ठीक है, और दे आर प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व्ड इन होता है। इनफैक्ट व्हाट डिस्टिंग्विशेस दिस ग्रुप इज द फैक्ट दैट दे आर प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर एंड मोर लाइकली टू वर्क ऑन देयर ओन लैंड। ऐसा नहीं है कि लैंडलेस लेबरर्स नहीं है, ठीक है, उनकी अपनी ज़मीन होती है और वो एग्रीकल्चर मतलब वो अपनी ज़मीन पे काम करते हैं। किसी किसी के पास ज़मीन नहीं होती है, वो दूसरों के ज़मीन पे जाके काम करते हैं, ठीक है, लेकिन इनके पास अपनी ज़मीन होती है, ये उस पर काम करते हैं। तो मेन ऑक्यूपेशन जो है वो एग्रीकल्चर है इनका। उसके बाद तीनों जो है फॉरवर्ड कास्ट के आसपास आते हैं, मतलब जो क्या क्या बोलते हैं उसको, बड़ी जाति ऊंची जाति जो भी है, तो उससे सिमिलर हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ होल्डिंग गवर्नमेंट जॉब्स। लेकिन जब बात आती है गवर्नमेंट जॉब्स की, तो ज़्यादातर जो हिस्सा है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसीज को यहाँ पे, मतलब एससी एसटीज एंड ओबीसीज जो है गवर्नमेंट जॉब्स में उनका ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन एक तरह से ज़्यादा हो जाती है। तो ये यहाँ पे इनको बॉदर कर रहा है, ठीक है, कि इन टर्म्स ऑफ होल्डिंग गवर्नमेंट जॉब देयर इज अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप कंपेयर टू फॉरवर्ड कास्ट। तो यहाँ पे इनकी मतलब ड्रॉप ये किस में बोला गया है, ये इन इन तीन जातीज में, ठीक है, तो उनको इतनी जगह नहीं मिलती है गवर्नमेंट जॉब्स में। तो उसके बाद दिस माइट बी एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन देयर फीलिंग ऑफ रिलेटिव डिस्पैरिटी। इसलिए उनको ऐसा लगता है कि हमें हमारे साथ जो है नाइंसाफी हो रही है, एक डिस्पैरिटी वाली फीलिंग आती है इनको, ठीक है। तो यहाँ पे है कि एक ये अपने एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन से निकल के जो है किसी दूसरे ऑक्यूपेशन में जाना चाहते हैं, तो इसलिए भी जो है ये भी इनके एक रीज़न है। दे ऑल्सो फाइंड दैट अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ देम होल्ड कैजुअल जॉब्स इन नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर डिस्पाइट देम बींग लार्जली एग्रीरियन कम्युनिटी, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। मोर ऑफ देम आर सीकिंग अ फ्यूचर इन नॉन एग्रीकल्चरल जॉब, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब। तो जब गवर्नमेंट जॉब्स की बात आती है तो इनको लगता है कि इनको एक वो जो डिस्पैरिटी वाली फीलिंग आती है उनकी वजह से जो है इनकी ये डिमांड है कि हमें भी ओबीसीज में इंक्लूड करो, ठीक। तो डिस्पाइट नैरोइंग सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस विद डोमिनेंट फॉरवर्ड कास्ट, द जातीज परसीव देयर पॉलिटिकल पावर एंड इकोनॉमिक क्लाउट टू बी स्लिपिंग। इनको ऐसा लग रहा है कि हमारी जो एक पॉलिटिकल जो पावर और इकोनॉमिक क्लाउट, मतलब एक तो इकोनॉमिकली और एक पॉलिटिकली, ठीक है, तो जैसे होता था कि ऊंची जातियों को ज़्यादा सम्मान मिलता था, उनकी बातों का ज़्यादा वजन होता था, ठीक है, तो वो सब चीज़ें, तो उनको कहीं ना कहीं उस सब चीज़ों में जो है थोड़ा सा डिफरेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इकोनॉमिकली भी, क्योंकि वो उनका मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है और उनको जो है अब वो चाहते हैं कि एग्रीकल्चर से निकल के हमें जो है गवर्नमेंट जॉब्स मिलें, ठीक,
कुछ और जॉब मिले नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो उसमें लेकिन जो है उनको वो डिस्पैरिटी वाली फीलिंग आती है कि हमें यहाँ पे हमें हमारा कुछ नहीं हो रहा है, तो इसलिए जो है ये सब डिमांड्स उठती हैं। तो यहाँ पे लिखा है बट देयर डिमांड फॉर इंक्लूजन अमंग ओबीसीज इज अनजस्टिफाइड, ठीक है, तो ये इसमें दिया हुआ है। उसके बाद जुवेनाइल ऑफेंडर्स, तो यहाँ पे गर्ल्स बॉयज, देखो गर्ल्स 2.5%, बॉयज 97.5% दिया हुआ है। एज ग्रुप अगर देखें तो बिलो 12 इयर्स जो है 1.4%, 16 to 18 इयर्स में जो है ज़्यादातर जुवेनाइल ऑफेंडर्स देखे गए हैं। टॉप 5 क्राइम्स में देखा देखा जाए तो थेफ्ट, क्रिमिनल ट्रेसपास, राइट, रेप, रॉबरी। तो इसका मेन एक रीज़न पॉवर्टी भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये एनसीआरबी का डेटा है, ए टोटल ऑफ 44,171 अंडर एज ऑफेंडर्स वर एप्रीहेंडेड इन 2016 फॉर वेरियस क्राइम्स इन इंडिया। तो जेंडर वाइज, एज वाइज, क्राइम वाइज यहाँ पे स्प्लिट दिखाया गया है, ठीक है। तो ये थे आज के एडिटोरियल्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।